आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। अंता के एनटीपीसी में दो दिवसीय ग्रामीण स्कूली छात्र छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को हुआ समापन। प्रतियोगिता में 22 विद्यालयों के 714 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्राप्त जानकारी अनुसार शुक्रवार को प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक जिनेन्द्र जैन रहे। वहीं अध्यक्षता अपर महाप्रबंधक राजीव जैन ने की। प्रतियोगिता के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं की खो खो एवं कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित की गई। सीनियर छात्र खो खो प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलसावा की टीम विजेता और केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी की टीम उप विजेता रही। वहीं सीनियर छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अंता की टीम विजेता रही। विजेता एवं उप विजेता छात्र छात्राओं की टीम को अतिथियों द्वारा शील्ड एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि एस के राम अपर महाप्रबंधक, विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शशि मीणा, राजीव जैन अपर महाप्रबंधक एनटीपीसी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अपर महाप्रबंधक एस के राम ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए खेल आवश्यक है। खेलों से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। आयोजन समिति के अध्यक्ष एस के गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार जताया। आयोजन को सफल बनाने में एआर गर्ग, पंकज वशिष्ठ, एएस पठान सहित अन्य पदाधिकारियों का विशेष सहयोग रहा। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।